मंडी जिला के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किरतपुर मनाली फोर लेन परियोजना के तहत मंडी के बनाला में पहाड़ी के कटान के कार्य से उपजे भूस्खलन के खतरे के स्थायी समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के अधिकारियों और बनाला में काम में लगी कंपनी के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि समस्या के समाधान में कोताही बरती गई तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने किरतपुर मनाली फोर लेन परियोजना के तहत मंडी के बनाला में पहाड़ी के कटान के कारण उपजे भूस्खलन के खतरे के कई स्थायी समाधान के लिए तुरंत कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को बनाला में काम में लगी कंपनी के पदाधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि समस्या के समाधान में कोताही बरती तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना के तहत मंडी जिले से जुड़े मामलों के समाधान के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में फोरलेन प्रभावितों की सामूहिक समस्याओं से जुड़े विभिन्न मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने फोरलेन प्रभावितों की समस्याओं व शिकायतों की सुनवाई की और संबंधित अधिकारियों को समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने किरतपुर मनाली फोरलेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ भी बैठक की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऋग्वेद ठाकुर ने NHAI के पदाधिकारियों को मंडी जिले में हर हालत में अगले 10 दिन में सड़कों की हालत सुधारने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडी शहर से गुजरने वाली सड़कें भी प्राथमिकता पर सुधारें। मंडी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए देवी देवता सप्ताह भर पहले अपनी जगहों से प्रस्थान करते हैं। प्रदेश व देश भर से लोग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव देखने आते हैं। इसके दृष्टिगत NHAI जिला में सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए अविलंब सभी जरूरी कदम उठाए। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि फोरलेन परियोजना के चलते प्रभावित क्षेत्रों में धूल मिट्टी उड़ने की समस्या से निजात के लिए नियमित अंतराल पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव करवाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि इसके लिए NHAI काम में लगी कंपनियों के साथ मिलकर एक हफ्ते के भीतर संबंधित प्रधानों के साथ बैठकर पूरी योजना बनाए और उसे प्रशासन के साथ साझा करे। उन्होंने NHAI अधिकारियों को परियोजना के तहत जिले में कहां कहां ओवरब्रिज और बस ठहराव बनने हैं इसे लेकर बनाई विस्तृत कार्य योजना को जिला प्रशासन से साझा करने को कहा। निर्देश दिए हैं कि वे मैप सहित विस्तृत कार्य योजना एक हफ्ते में DC ऑफिस में सौंपे। उन्होंने NHAI को उन सभी मामलों में जिनमें लोगों की जमीन ले ली गई है और उसका मुआवजा भी उन्हें मिल चुका है लेकिन उस पर खड़े भवन का मूल्यांकन नहीं किया गया जिस कारण उन्हें उसका मुआवजा नहीं मिला उन्हें राहत प्रदान करने के लिए उपायुक्त ने कदम उठाने को कहा। उन्होंने NHAI अधिकारियों को ये भी तय बनाने को कहा कि मौजूदा सड़क के रखरखाव के लिए दृष्टिगत जहां फोर लेन के लिए कटिंग की गई है वहां जल निकासी के लिए सड़क किनारे नालियां बनाई जाएं। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रवण मांडा SDM सदर निवेदिता नेगी SDM बल डॉक्टर आशीष शर्मा SDM सुंदरनगर राहुल चौहान NHAI के अधिकारी फोरलेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश महंत समिति के अन्य अधिकारी सहित अन्य सदस्य परियोजना प्रभावित व परियोजना में कार्यरत कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।